नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया और मैं बबीता सिंह। और इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिनभर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। राहुल के बयान के बाद क्या होगा वरुण गांधी का रुख, तलाश सकते हैं कोई तीसरा रास्ता। राष्ट्रीय लोक दल ने विभिन्न सेक्टरों के अध्यक्ष और महासचिव घोषित किए। लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 22 जनवरी को। 10 से 15 फरवरी तक दुनिया भर में सुर्खियों में रहेगा यूपी, दो वैश्विक कार्यक्रमों से बनेगा रिकॉर्ड। सपा ने तेज की विधान परिषद चुनाव की तैयारी, प्रदेश अध्यक्ष ने संभाली कमान। स्टेशन भवन पर नजर आएगा गोरखनाथ मंदिर का अक्स, नए ढांचे का मॉडल तैयार। किसान समस्याओं के निस्तारण में सुस्ती पर एडीएम नाखुश। बीएसए अजीत कुमार ने जांचे 4 स्कूल, सब मिला ठीक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के बाद अपनी पार्टी से बागी मोड में चल रहे भाजपा सांसद वरुण गांधी का हाल फिलहाल त्रिशंकु सरीखा नजर आ रहा है। जानकारों के मुताबिक भाजपा में वरुण गांधी सहज नहीं है और वरुण गांधी के साथ कांग्रेस सहज नहीं हो सकती। माना जाता है कि इन हालात में अब उन्हें कोई तीसरा रास्ता ही तलाश करना उनकी मजबूरी बन जाएगा। राहुल गांधी द्वारा अपनी और वरुण गांधी की विचारधारा का फासला बताए जाने से वरुण की कांग्रेस में एंट्री का गेट एक तरह से बंद हो गया है। ऐसे में अपनी ही पार्टी पर लगातार हमले करते चले आ रहे वरुण गांधी कहां नया ठिकाना तलाश पाते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। राष्ट्रीय लोक दल ने सेक्टर अध्यक्ष और महासचिवों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने बताया कि फिलहाल 10 सेक्टरों में यह तैनाती की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हस्तिनापुर कार्य क्षेत्र में योगेंद्र चेयरमैन को अध्यक्ष, पूर्व विधायक दिलनवाज खान को संगठन महासचिव बनाया गया है। ब्रज क्षेत्र से ब्रजेश चाहर को अध्यक्ष, बाबूलाल को महासचिव, रुहेलखंड से रामबीर सिंह को अध्यक्ष, फिजाउल्लाह चौधरी को महासचिव, तुरई से मोहम्मद असद खान को अध्यक्ष, जसविंदर सिंह को घुम्मन को महासचिव, बुंदेलखंड से वीरेंद्र साची को अध्यक्ष, मनोज बुधौलिया को महासचिव, प्रयागराज से राम जीवन पटेल को अध्यक्ष, श्रीकांत त्रिपाठी को महासचिव, संत कबीर नगर से ओम प्रकाश चौधरी को अध्यक्ष, विपिन श्रीवास्तव को महासचिव, कानपुर से योगेंद्र कुशवाहा को अध्यक्ष, कुंदन सिंह को महासचिव, काशी से समरनाथ यादव को अध्यक्ष, देव प्रकाश राय को महासचिव, अवध से राम सिंह पटेल को अध्यक्ष एवं चंद्रकांत अवस्थी को संगठन महासचिव बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में अभी लगभग एक साल से अधिक समय शेष है, फिर भी भाजपा ने केंद्र की सत्ता में फिर वापसी करने का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रणनीति तैयार करने और संगठन को गतिवान करने के उद्देश्य से भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 22 जनवरी को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 22 जनवरी को राजधानी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के कार्यकाल की यह पहली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक होगी। कार्यकारिणी की बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। 10 से 15 फरवरी तक उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया भर की सुर्खियों में होगा। इस दौरान 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और 11 से 12 फरवरी को G20 समिट की आगरा बैठक जैसे दो बड़े आयोजन कर प्रदेश एक रिकॉर्ड बनाएगा। वहीं 13 से 15 फरवरी तक लखनऊ में G20 समिट की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इसमें 19 देशों के 150 से अधिक विदेशी मेहमान आएंगे। ऐसे में इन आयोजनों की व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार का पूरा फोकस GIS 2023 में 20 लाख करोड़ से अधिक का निवेश जुटाकर कीर्तिमान स्थापित करना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा G20 की मेजबानी को निभाना भी राज्य सरकार के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। सपा ने विधान परिषद की स्नातक एवं शिक्षक खंड की 5 सीटों को चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। विधान परिषद की स्नातक एवं शिक्षक खंड की 5 सीटों के लिए 30 जनवरी को मतदान होंगे। सपा ने स्नातक खंड में गोरखपुर फैजाबाद से करुण कांत मौर्य, कानपुर से डॉक्टर कमलेश यादव, बरेली मुरादाबाद से शिव प्रताप सिंह यादव और शिक्षक खंड में इलाहाबाद झांसी से SP पटेल और कानपुर से प्रियंका को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव वाले प्रमुख जिलों में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जाएंगे। इसकी शुरुआत 19 जनवरी को कानपुर नगर से होगी।
20 को कानपुर देहात, 21 को उरई जालौन और हमीरपुर, 23 को उन्नाव, 24 को शाहजहांपुर, 25 जनवरी को बरेली, 26 जनवरी को मुरादाबाद में बैठक करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर और गोंडा स्टेशन को सेंटर ऑफ सिटी बनाने के लिए भवन के नए ढांचे का मॉडल तैयार हो गया है। गोरखपुर के स्टेशन भवन पर गोरखनाथ मंदिर व गीता प्रेस का अक्ष दिखाई देगा। एजेंसी अगले सप्ताह महाप्रबंधक व अन्य अधिकारियों के सामने मॉडल व डिजाइन प्रस्तुत करेगी। एजेंसी ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। अभी विकल्प के तौर पर 2 डिजाइन तैयार की गई हैं। अगले सप्ताह मॉडल प्रस्तुत करने के दौरान एजेंसी जंक्शन के नए स्वरूप का खाका और उसके निर्माण में आने वाले खर्च का ब्यौरा भी देगी। मॉडल को देखने के बाद महाप्रबंधक व अधिकारी अपना सुझाव देंगे। इसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन रिपोर्टर को रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजेगा। एडीएम रामभरत तिवारी की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जिसमें किसानों की शिकायतों के निस्तारण में सुस्ती पर एडीएम द्वारा निर्देशित किया गया कि किसानों की शिकायतों का निस्तारण कर अनुपालन आख्या 1 सप्ताह में उप कृषि निदेशक को उपलब्ध कराई जाए। जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में यूरिया की कमी नहीं है। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना विभाग से संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया गया। कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी रजित राम, जिला प्रबंधक इफको एसी शुक्ला, महेंद्र कुमार मिश्रा, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र कटिया मनोज कुमार, डीएमएमओ रामेश्वर सिंह, सहायक अभियंता लघु सिंचाई के साथ ही विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। आरएमपी पीजी महाविद्यालय के राम मनोहर लोहिया सभागार में पुणे इंस्टीट्यूट और बिजनेस एंड मैनेजमेंट तथा करियर एवं रोजगार परामर्श समिति आरएमपी पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में विद्यार्थी विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि अंकित कुमार रहे। आरएमपी पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यार्थियों को वर्तमान की सामाजिक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में सशक्त करना ही हमारे महाविद्यालय का लक्ष्य है और इसके लिए उन्होंने पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट पुणे के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। कार्यक्रम का संचालन इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अभिषेक कुमार ने किया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर प्रवीण यादव ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर प्रदीप कुमार, सुमित सिंह एवं सचिन पाठक एवं समाजशास्त्र विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर विकास सिंह एवं शैलेंद्र कुमार आदि अन्य प्राध्यापक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। बुधवार को बीएसए अजीत कुमार ने एलिया ब्लॉक के 4 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। साफ सफाई और व्यवस्थाओं को देखने के साथ ही बीएसए ने बच्चों से सवाल जवाब भी किए। इस दौरान बीएसए का जोर स्कूल भवनों की साफ सफाई, रंगाई पुताई तथा विभागीय दिशा निर्देशों के अनुपालन पर रहा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत शिरोमण परम हंसाचार स्वामी सुंदरानंद महाराज की पुण्यतिथि 26 जनवरी को मनाई जाएगी। यह कार्यक्रम सुमित्रा मॉन्टेसरी स्कूल के प्रांगण में श्री मोहनदास जी त्यागी महाराज की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया जाएगा। सुमित्रा ग्रुप ऑफ स्कूल सीतापुर के प्रशासनिक अधिकारी दीपक झिंगरन ने इस कार्यक्रम के में बताया कि प्रातः 9 बजे से सरस्वती पूजन और 10 बजे से भजन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके बाद 11:30 बजे भंडारा आयोजित किया जाएगा। डीएम अनु सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शिक्षु समिति की बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आईटीआई सीतापुर के प्रधानाचार्य समिति के सदस्य एवं जनपद के विभिन्न अधिष्ठानों के अधिकारियों ने भाग लिया। डीएम ने जिले में शिक्षु प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए जिले के समस्त अर्ध सरकारी, सरकारी, निजी, सहकारी अधिष्ठानों को भारत सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत कराकर शिक्षुओं को योजित किए जाने हेतु निर्देशित किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सीतापुर इकाई ने डीएम अनु सिंह को ज्ञापन सौंपा। 4 सूत्रीय इस ज्ञापन में प्रमुखता से मुस्लिम समाज को भड़काने वाले मौलवियों व नेताओं पर नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। केंद्र सरकार से यह मांग उठाई है उन्होंने। ज्ञापन देते समय बजरंग दल के जिला संयोजक अनुज भदौरिया, प्रमोद सिंह, दीपक सिंह, बबलू उत्तम सिंह, सूरज लोधी तथा लौकुश राजपूत आदि मौजूद रहे।
पीएम किसान योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के माध्यम से सोलर पंप प्राप्त करने की बुकिंग 20 जनवरी को 11 बजे से शुरू की जाएगी। सीतापुर के उपकृषि निदेशक एके सिंह ने बताया कि यह बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी तथा बुकिंग के समय किसानों को 5000 रुपए टोकन मनी के रूप में जमा करने होंगे तथा टोकन कंफर्म करने के बाद एक हफ्ते में अगर चालान की धनराशि इंडियन बैंक की किसी शाखा में अथवा ऑनलाइन न जमा की तो कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा, साथ ही टोकन मनी भी जब्त हो जाएगी। सीतापुर के ब्लॉक बिस्वा में मरसंडा के प्रतीक्षा मेमोरियल विद्या ज्योति शिक्षण संस्थान में वार्षिक उत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा रहे व कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह रहे। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष कमलापुर अमर वाजपेयी, प्रधानाचार्य दिलीप कुमार, प्रधान मरसंडा सुनील कुमार, सुशील कुमार आदि तमाम अभिभावक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। हरगांव नगर में सीतापुर लखीमपुर मार्ग में एचडीएफसी बैंक का शुभारंभ किया गया। बैंक का उद्घाटन अवध सुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के अधिशासी अध्यक्ष डीके शर्मा ने किया। इस अवसर पर बैंक क्लस्टर हेड वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में यह बैंक नवी ब्रांच है तथा हरगांव नगर में प्राइवेट सेक्टर की पहली बैंक है। डीके शर्मा अपना पहला खाता खुलवाकर सौरभ के पहले ग्राहक बने। इस अवसर पर ब्रांच मैनेजर सौरभ संकृत, बलदीप कौर, नीलेश मिश्रा, सूर्यकांत दीक्षित, शरद दीक्षित, सुरवीर सिंह, आनंद गुप्ता आदि मौजूद रहे। सीतापुर में क्षत्रिय समाज व करनी सेना द्वारा खिचड़ी भोज समरसता भोज का आयोजन किया गया। शहर के महाराणा प्रताप पार्क में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप व दानवीर के रूप में विख्यात भामाशाह की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और समाज हित तथा जनहित में कार्य करने का संकल्प लिया। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी चक्र तीर्थ कॉरिडोर योजना का कार्य अब तेजी पकड़ रहा है। तीर्थ के तिवारी घाट और शिवबाला मंदिर की तरफ से द्वार बनना शुरू हो गया है। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। देश और विदेश के प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु यहां अमावस्या, पूर्णिमा, नवरात्रि और होली परिक्रमा मेले में स्नान करने जरूर आते हैं। योगी सरकार ने इसके समग्र विकास की योजना बनाई है, जिस पर पर्यटन विभाग की राज्य योजना के अंतर्गत करीब 9,72,92,000 रुपए का खर्च अनुमानित है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हो गई है। इनके निर्धारण हेतु डीएम अनुज सिंह की अध्यक्षता में 20 जनवरी को एक बैठक बुलाई गई है, जो कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 12:30 बजे से होगी। समस्त कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए इसमें संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, पत्रकार बंधु, गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं, संगठनों के पदाधिकारीगण प्रतिभाग करेंगे। विकासखंड परसेंडी के जानीपुर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा के समापन के अवसर पर लहरपुर के पूर्व विधायक सुनील वर्मा भी पहुंचे और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। उस दौरान उमेश शुक्ला, छोटेलाल सेक्रेटरी, दिनेश शुक्ला, अनूप सिंह, अखिलेश दीक्षित, अशोक पांडे, संजय दीक्षित, मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। हरगांव ब्लॉक परिसर में यूपी के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही द्वारा खिचड़ी समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसका प्रारंभ बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। अवध प्रांत महिला अध्यक्ष गोदावरी मिश्रा, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव, जिला महामंत्री राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, उमाकांत मिश्रा, नीरज वर्मा, सुनील मिश्रा, रोहित सिंह, विश्राम सागर राठौर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान, विजय मिश्रा, अवनीश सिंह, संजय जायसवाल, ब्रजेंद्र शुक्ला, कुलदीप सिंह, राकेश सेठ, महेंद्र अवस्थी, गुड्डू, दीपू पांडे, सोम दीक्षित, शेरा सिंह, प्रधान अंकित सिंह, प्रधान जीतपाल सिंह सहित क्षेत्र के तमाम गणमान्य मौजूद रहे। जिला विज्ञान क्लब द्वारा 9 प्रवर्तकों को चिन्हित किया जाएगा। इसके लिए सीडीओ एवं क्लब उपाध्यक्ष अक्षत वर्मा ने 3 कार्यक्रमों के आयोजन को मंजूरी दे दी है तथा डीएम अनुज सिंह इस बाबत आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे। जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने बताया कि ब्लॉक मिश्री के रिसोर्स केंद्र पर 20 जनवरी को स्कूली बच्चों के लिए जोड़ फोड़ तोड़ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत खैराबाद स्थित परिवहन कार्यालय में एक दिव्यांग जनहित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी और एआरटीओ परिवर्तन संजय कुमार गुप्ता, टीएसआई दिनेश चंद पटेल ने दिव्यांगजन को समाज का अंग बताते हुए कई बार जानकारी के अभाव में विभिन्न योजनाओं का लाभ
दिव्यांगजनों को नहीं मिल पाता है। बिस्वा के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन बिस्वा उपजिला अधिकारी पीएल मौर्य को सौंपा, जिसमें हिंदू संगठनों, उनके कार्यकर्ताओं और हिंदू नेताओं पर हमले कर उनकी हत्या करने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए जेहादी तत्वों पर लगाम लगाने और मदरसों पर निगरानी रखने की बात कही है। बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख आशुतोष वर्मा, जिला सहमंत्री आयुष मिश्रा, जिला संयोजक संदीप अवस्थी, प्रखंड अध्यक्ष बिस्वा रमई कबाल वर्मा, जिला गोरक्षा प्रमुख श्रीकांत महोदय सहित बहुत से कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर्द मौसम में पात्रों को कंबल न मिलने से नाराज भारतीय किसान यूनियन ने एसडीएम बिस्वा को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें कहा गया है कि 5 दिसंबर 2022 को तहसीलदार को अवगत कराते हुए कंबल के पात्रों को सूची दी गई थी, लेकिन लेखपाल व ग्राम प्रधान की मिली भगत के चलते पात्र सूची को लोगों ने कंबल न देकर ग्राम प्रधान के चहेतों को कंबल वितरण किया है। इस दौरान संगठन के तहसील अध्यक्ष विमलेश कुमार मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष लाखन सिंह, सांडा ब्लॉक अध्यक्ष विश्राम, जिला सचिव दिनेश सिंह, महासचिव अंजनी कुमार, सुभाष चंद शुक्ला, राज सिंह रामायडी आदि मौजूद रहे। सिदौली के श्री गांधी महाविद्यालय में आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में आरटीओ डॉक्टर उदित नारायण पांडे ने छात्र छात्राओं को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक किया। जागरूकता प्रशिक्षक सुमित मिश्रा द्वारा विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर यातायात संबंधी प्रश्न प्रतियोगिता में छात्रों ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए, जिन्हें एआरटीओ द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर रविंद्र सिंह, गोपाल सिंह, संजीव शुक्ला, देवाशीष गुप्ता, मनीष श्रीवास्तव, राम नरेश सहित महाविद्यालय के शिक्षक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। यह था आज का खबरनामा, आप देखते रहिए आई इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।